नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। डेस्क नई दिल्ली। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ले ली है। दोपहर के करीब 12:20 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें अरुण जेटली ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के सवाल उठाने का भी जेटली ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पित्रोदा पाकिस्तान की लाइन को फॉलो कर रहे हैं। बता दें कि कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि गंभीर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। उनके दिल्ली की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की जानकारी भी सामने आ रही है। बता दें कि गंभीर ने भारत को 2007-20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका दिलाई थी। इसके साथ ही शुक्रवार को बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। बता दें कि दिसंबर 2018 में गौतम गंभीर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इससे पहले वो अपनी जिंदगी के 15 साल क्रिकेट को दे चुके हैं। उन्होंने 22 साल की उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू कर लिया था। बता दें कि गंभीर को भाजपा से जुड़ा माना जाता है। उन्हें वित्त मंत्री अरुण जेटली का करीबी भी बताया जाता रहा है।